इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा डिटेन्ड एट अ गेस्ट हाउस इन यूपी सीतापुर लैश्ड आउट एट द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट फॉर डिटेनिंग हर इलीगली व्हाइल दोज हु एलिजिडली किल फार्मर्स इन लखीमपुर खेरी वर रोमिंग स्कॉट फ्री। Priyanka Gandhi Vadra took to her official Twitter handle to target the Narendra Modi government. She shared a video purportedly shot in Lakhimpur Kheri showing a vehicle running over protesting farmers. Priyanka also questioned the lack of action against those responsible for stoking Sunday's violence. ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मिस्टर नरेंद्र मोदी, योर गवर्नमेंट हैज केप्ट मी डिटेन फॉर द लास्ट 28 आवर्स विदाउट एन ऑर्डर और एफआईआर, बट द पर्सन हु ट्रैम्पल्ड ओवर दीज फार्मर्स इज येट टू बी अरेस्टेड, व्हाई? प्रियंका गांधी सेड इन द ट्वीट। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। आज जब आप आजादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी, तो आप याद करिए कि आजादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस देश की सुरक्षा सीमाओं पे किसानों के बेटे करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना। जिन्होंने आजादी दिलवाई, जो अन्नदाता है इस देश का, जो आत्मा है इस देश का, उसकी पीड़ा समझिए, सुनिए। इनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। जिस संविधान पर आपने शपथ लिया उसका धर्म है और उसके प्रति आपका कर्तव्य है। Priyanka Gandhi and several other Congress leaders were detained by the UP police on Monday for evading house arrest and attempting to make their way to Lakhimpur Kheri. She was escorted to a PSC guest house in Sitapur. Earlier, Congress leader Rahul Gandhi on Monday condemned the incident at Lakhimpur Kheri, calling it an inhuman massacre and said those who were silent on the issue are already dead. The one who is silent even after seeing this inhuman massacre, he is already dead. But we will not let the sacrifice go in vain. Kisan Satyagraha Zindabad, farmers protest, Rahul Gandhi tweeted. Meanwhile, prohibitory orders are in place in the district after 8 people, including 4 farmers, were killed on Sunday as violence erupted during a farmers' protest.